हाय एवरीवन, सो आई एम पीयूषा। तो आज से मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो ट्रिक के लिए होगा, जो स्पेसिफिकली नीट के लिए बना होगा। इसमें क्लास 11th और 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मैं वैसे वैसे टॉपिक को चुनूंगा जो मेमोराइज करने में डिफ़िकल्ट होता है, जिसको आप ट्रिक के द्वारा मेमोराइज कर सकते हैं, निमोनिक्स यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। ये सारे वही टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन नीट में फिक्स है। तो जो पहला जो हमारा ट्रिक है, जो फर्स्ट ट्रिक है, वो है स्पर्म पाथवे। ये क्लास 12 बायोलॉजी से लिया गया है, चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये पाथवे लगभग हर साल को एक बार आता है, एक क्वेश्चन इससे आता है। ये पाथवे का आपको पूरा का पूरा करेक्ट ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो पहले हम देख लेते हैं क्या है पाथवे, उसके बाद हम इसका ट्रिक भी देख लेंगे। तो जो सबसे पहले जो होता है स्पर्म, वो सेमनीफेरस ट्यूबुल से स्पर्म निकलता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। सो स्पर्म जो हो गया वो सेमनीफेरस ट्यूबुल से निकल गया बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब वो रेटेड टेस्टिस में गया, उसके बाद वो वासा इफरेंसिया में गया। और एक और क्वेश्चन यहाँ बन बन सकता है, वो आप याद रखिए कि कौन सा जो डक्ट है, ये सब सारे डक्ट हैं, तो कौन सा जो ये चारों जो डक्ट है, ये तो चारों डक्ट में से कौन सा डक्ट है जो टेस्टिस में नहीं होता है। जैसे ये टेस्टिस हो गया तो ये बाहर है, तो ये कौन सा ये डक्ट है, तो टेस्टिस के अंदर कौन सा डक्ट होता है, तो रेटेड टेस्टिस हो गया। और कौन सा की डक्ट है जो टेस्टिस के बाहर होता है, तो वास डिफरेंस या एपिडाइडमिस हो गया, वास डिफरेंस, तीनों ये हो जाता है बाहर टेस्टिस के बाहर। बट जो पहले सबसे पहले जो टेस्टिस के बाहर आता है वो है वासा इफरेंसिया, तो अब ये याद रखिए। उसके बाद जो वासा इफरेंसिया से इपिडाइडिमिस में जाता है स्पर्म, उसके बाद वास डिफरेंस में जाता है, और उसके बाद यूरिनरी ब्लाडर में चल जाता है। अब एक और यहाँ पे पॉइंट है जो कि वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस सेमाइनल वेसाइकल्स के साथ मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म करता है। ये भी आप याद रखिए, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इजैकुलेटरी डक्ट किससे मिलकर बनता है, तो वो कम्बिनेशन ऑफ सेमाइनल वेसाइकल और वास डिफरेंस बनता है। ठीक है, तो अब इसको याद करने के लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड वो ट्रिक है ये छोटा सा एक बर्ड, ये है स्टीव इनकरेज वरुण धवन। आप जानते हैं मतलब ये एक ट्रिक है, आप समझ लीजिए। पहले स्टीव मतलब स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, वरुण धवन आप जानते ही हैं बॉलीवुड एक्टर, तो इन दोनों को मिलाकर मैंने एक ट्रिक बनाया है। आप सिंपल याद रख लीजिए, स्टीव कोई आदमी है, वो इनकरेज किया वरुण धवन को। तो ये ट्रिक में से लिया है STEVE, इनकरेज का ई है और वरुण धवन का VD है। अब इसको हम बैठाते हैं, एस स्टीव में एस आता है सेमनीफेरस ट्यूबुल के लिए, TE होता है रेटेड टेस्टिस के लिए। रेटेड टेस्टिस में देखिए TE TE TE, तीन TE है, इसलिए TE का मतलब रेटेड टेस्टिस। अब हो गया VE, मतलब वासा इफरेंसिया, देख रहे हैं VE, तो वासा इफरेंसिया। इनकरेज, इनकरेज का ई हम इपाइडाइडमिस के लिए लेते हैं, देखो इपाइडाइडमिस में सिर्फ ई है, जो पहला लेटर है वो ई है, तो इनकरेज के लिए ई। वॉइस डिफरेंस में वी है पहला लेटर और डी है पहला लेटर, तो इसके लिए वरुण धवन, तो वरुण धवन हो गया। तो अब ये ट्रिक पूरा बैठ गया है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं स्टीव इनकरेज वरुण धवन, और सारा हो गया सेमनीफेरस ट्यूबुल रेटेड टेस्टिस वासा इफरेंसिया इपिडाइडमिस एंड वॉइस डिफरेंस वन यूरिनरी ब्लैडर। तो ये सिंपल ट्रिक है यार, इससे आप बहुत जल्दी मेमोराइज कर सकते हैं, एक क्वेश्चन इससे फिक्स है नेट में आने के लिए। सो ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, मैं ऐसे ही ट्रिक बहुत सारे डालूंगा। सो थैंक यू एवरीवन।